हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट जीके। हाउ आर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल ऑफ फाइन। अब घर पर स्टूडेंट्स फाइन। आई एम उषा टीचर। टुडे स्टार्ट स्टूडेंट जनरल नॉलेज। नाउ स्टार्ट चैप्टर 21 रोड सिग्नल्स। ओके, आई मीन क्या बच्चों, रास्ते पे जो चिन्ह बताया गया उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यू मस्ट हैव सीन मैनी काइंड्स ऑफ सिग्नल्स वाइल ऑन द रोड। ईच सिग्नल्स कन्वेंस ए मैसेज एंड हेल्प अस टू बी सेफ ऑन द रोड। ओके बच्चों, हमें रोड पे ऐसा मैसेज दिया जाता है, इसे सिग्नल दिया रहता है कि इस सिग्नल पर आपको रुकना है, इस सिग्नल पे जाना है। ओके, तो इससे क्या पता हमें पता चलता है बच्चों कि हमें ये सब क्या है, ट्रैफिक लाइन्स हैं। ट्रैफिक लाइट का एक सिग्नल हमें बताया जाता है, रोड पे जो चिन्ह होते हैं जिससे हमको आने जाने के बारे में सिग्नल्स का बताया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ट्रैफिक सिग्नल्स का करेंगे। ए, कैन यू गेस इज व्हाट द ट्रैफिक लाइट्स। आपको सोचना है बच्चों, आप ट्रैफिक लाइट्स किसे कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर, देखो सिग्नल दिया गया, देखो यहाँ पर रेड लाइट है, फिर येलो लाइट है एंड ग्रीन लाइट्स। ओके बच्चों, देख सकते हैं आप लोग रेड येलो एंड ग्रीन। ओके, इसमें देखो तीनों सिग्नल्स दिए रहते हैं। ओके, ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं। देखिए यहाँ पर रेड लाइट को कब यूज़ किया जाता है, येलो लाइट को क्या कहा जाता है, ग्रीन लाइट को क्या कहा जाता है और इनका यूज़ भी किस तरह। देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट, रेड लाइट हम कब यूज़ करते हैं बच्चों, रेड लाइट से। ओके, रेड लाइट को कब कब का कहा जाता है बच्चों, रेड लाइट को स्टॉप, रुकने के लिए रेड लाइट का सिग्नल यूज होता है। ठीक है, एसटीओपी स्टॉप। और येलो लाइट, ओके बच्चों, येलो लाइट का सिग्नल को क्या कहा जाता है, येलो लाइट के सिग्नल को WAIT वेट, मीन्स राह देखना, प्रतीक्षा देखना। ओके, और ग्रीन लाइट गो मीन्स जाना। ओके बच्चों, मैं आपको लाइट्स के सिग्नल से बताऊंगा। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर रेड येलो एंड ग्रीन, ये तीनों लाइट सिग्नल्स दिए गए। ओके बच्चों, ये सिग्नल का भी यूज है ना, रेड लाइट जो हम कभी ट्रैफिक, हम जब व्हीकल्स लेके, व्हीकल्स लेके हमारे पापा हमारे जब जाते हैं ना, तब एवरीबडी कोई भी जाता है तो सिग्नल्स लाइट तो सबको फॉलो, जो सिग्नल जो दिए सबको फॉलो करना पड़ता है। ओके, रोड पर तो जब रेड लाइट का सिग्नल होता है तो स्टॉप, हमें रुकना पड़ता है। ओके, और उसके बाद येलो लाइट का जब सिग्नल होता है WAIT वेट, हम प्रतीक्षा राह देखते हैं। ओके, और फिर जब ग्रीन लाइट का होता है सिग्नल तो हम गो, बाइक लेके गो हो जाते हैं। ओके, तो ये जो कौन बच्चों हमारे रोड सिग्नल्स के रूल्स हैं, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, बी नंबर, मैच द फ्लोविंग रोड सिग्नल्स विद द मैसेज मीनिंग दे कन्वे। ओके, तो हमें मैच करना है बच्चों जो रोड सिग्नल पर दिया गया है, मीनिंग का मतलब क्या है। ओके स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर में 2, 3, 4, 5 सिग्नल्स, ये जो चिन्ह दिए गए हैं बच्चों ने यहाँ पर रोड सिग्नल्स, ये हमें देखना है, ये इनका मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर दिया गया रेलवे क्रॉसिंग, स्कूल एचेड, ओके, नो पार्किंग एंड पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग, नो यू टर्न एंड नो राइट टर्न। ओके, तो रेलवे क्रॉसिंग मीन्स क्या था, रेलवे को पार करना, स्कूल एचेड की स्कूल आगे है, नो पार्किंग यहाँ पर पार्किंग नहीं करना, और ये पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि पैदल मार्ग चलने वालों के, जो पैदल चलते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, देख सकते हैं ये भी स्कूल का है, ये पैदल मार्ग के लिए। ठीक है, नो यू टर्न, ओके, कि आप लोग यहाँ से टर्न नहीं मारना, कि आपको यहाँ से दोबारा नहीं जाना, नो राइट टर्न, यहाँ से आपको राइट टर्न भी नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, ये इनके मीनिंग है, मैं आपको मैच करके बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर में आप लोग देख सकते हो, 1 नंबर में आएगा स्टूडेंट्स हमारा ये कहाँ गया, ई नंबर की नो पार्किंग। ओके, तो 1 नंबर को मैच करना है नो पार्किंग से, जो पार्किंग का पी लिखा गया बच्चों की पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग, जैसे कहीं पर देख सकते हो बच्चों सिग्नल से लगा रहता है ना कि यहाँ पर ये इस जगह पर, इस प्लेस पर आपको व्हीकल्स को पार्किंग नहीं करना है, यहाँ पे कि कार नहीं करना है, यहाँ पर बाइक को नहीं करना है, ऐसा दिया कि नो पार्किंग, कि यहाँ पर ये पार्किंग की जगह नहीं, गाड़ी को खड़े रखने की जगह नहीं है, तो ये नो पार्किंग का सिग्नल से। ओके, फिर 2 नंबर, ओके, 2 नंबर का सिग्नल आप लोग देख सकते हो, तो 2 नंबर को मैच करना नो यू टर्न, कि आपको यहाँ से गाड़ी को मुड़ने से, मतलब यहाँ से नो यू टर्न, यहाँ से गाड़ी को आपको मुड़ाना नहीं है। ओके, तो ये नो यू टर्न। फिर यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 नंबर को, 3 नंबर में एफ आएगा नो राइट टर्न, आपको यहाँ से राइट टर्न नहीं माना, सीधा टर्न नहीं माना, आपको घूम के ऐसे जाना। ओके, ये नो राइट टर्न, ओके, मैच कर दिया। उसके बाद तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो 4 नंबर है हमारा, क्या लिखा हुआ यहाँ पर 4 नंबर, ये आप सिग्नल देख सकते हो बच्चों, 4 नंबर में आएगा बी, क्या आएगा बच्चों, बी कि पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग, पैदल मार्ग चलने वालों के लिए भी होता है ना बच्चों, कि आप देख सकते हो बच्चों जो रोड पर जो बने रहते हैं, रोड पे इस तरह से ये बनी रहती है क्रॉसिंग करने का, आप लोग देख सकते हो येलो और ब्लैक रंग ऐसा बना रहता है, तो यहाँ पर पैदल मार्ग चलने, जो पैदल राह चलते हैं, राहगीर मुसाफरी के लिए होता है। ओके,
उसके बाद स्टूडेंट्स है फाइव नंबर में आएगा ए। आप तो देखते हैं ये क्या है बच्चों, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग को जो पार करना रहता है तो ऐसा सिग्नल्स दिया रहता है। ओके फिर क्या है स्टूडेंट, स्कूल अच्छे है ओके, स्कूल आगे है तो हमारे लिए ऐसा सिग्नल दिया रहता है, तो हमें मैच किससे करना है इससे। ओके तो स्टूडेंट देखा आप लोग ने, रेलवे क्रॉसिंग के लिए ऐसा सिग्नल आता है और स्कूल अच्छेट के लिए इस तरह सा सिग्नल आता है, एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए पैदल चलाने के लिए ऐसा आता है, एंड नो पार्किंग के लिए स्टूडेंट्स इस तरह से आता है। ठीक है बच्चों, नहीं नो पार्किंग के लिए ऐसा आता है, और नो यू टर्न यहाँ से इसका सिग्नल इस तरह से आता है, नो राइट टर्न इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स तो रोड सिग्नल्स आपको पता चला, यस या नो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को पता चली गया होगा। तो रोड सिग्नल्स बेटा, जब भी हम रोड क्रॉसिंग करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपको रोड सिग्नल्स के सिग्नल्स को फॉलो करके ही, हमें ट्रैफिक लाइट्स का सिग्नल देखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके अगर हम इनकी ये जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते बच्चों, इससे क्या आता है हमारा एक्सीडेंट, आई मीन जान हानि का भी खतरा होता है। ओके अभी रोड सिग्नल्स है चैप्टर 21, अब हम स्टार्ट करेंगे CW नोटबुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, CW नोटबुक्स में चैप्टर 21 रोड सिग्नल्स, आई मीन क्या बताया, रास्तों पे जो चिन्ह होते हैं बच्चों, उसके बारे में बताया गया इस लेसन में, ट्रैफिक लाइट्स। ओके तो ट्रैफिक लाइट्स मीन्स बताया बच्चों, ये जो रोड पे जो सिग्नल ट्रैफिक में दिया रहता है बच्चों, भीड़ भाड़ में जो हमें ये लाइट को सिग्नल्स के फॉलो करके हमें आगे चलना चाहिए। ओके वन नंबर रेड लाइट सेस, रेड लाल बत्ती को क्या कहा जाता है, स्टॉप, रुकने के लिए कहा जाता है, और येलो बत्ती को क्या क्या कहा जाता है, WAT वेट मीन्स प्रतीक्षा करो, राह देखो, एंड ग्रीन लाइट सेस, ग्रीन लाइट क्या कहा जाता है, ये जो गो आई मीन जाने के लिए ग्रीन लाइट यूज़ किया जाता है। अब है मेक द फ्लोविंग्स, मेक द फ्लोविंग्स है रोड, ओके रोड सिग्नल्स, ओके तो मेक द फ्लोविंग्स एंड रोड सिग्नल्स आई मीन इसके मीनिंग हमें करना। ओके तो देख सकते हो स्टूडेंट, वन नंबर में यदि वन नंबर में पी ने पी आई मीन पी करके सिग्नल दिया गया तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, आई मीन स्टूडेंट्स इसमें आएगा नो पार्किंग, क्या आएगा तो स्टूडेंट्स समय से मैच करना है नो पार्किंग से। ओके एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ क्या है, यहाँ पर ये हमारा नो यू टर्न, क्या पे दोबारा कि यहाँ पर घूम के नहीं यू टर्न नहीं मार सकते, तो यहाँ पर सिग्नल देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो हमें नो यू टर्न से मैच करना है, एंड यहाँ पर नो राइट टर्न, क्या हमें सीधा यू टर्न नहीं मार सकते। ओके हम होता है सिग्नल्स पे यू राइट टर्न नहीं मार सकते, ओके ऐसे ही होता है ना कि हमें सीधे जाए तो सीधे ही आना पर टर्न नहीं, और कोई मैं होता है कि नो यू टर्न कि आप लोग सीधे भी नहीं जा सकते, ऐसा होता है। ओके तो ये हमने मैच कर दिया, एंड ये क्या है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग होता है वो है। ओके एंड रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए ये ए नंबर, एंड क्या है बच्चों ये स्कूल वाले बच्चे आई मीन स्कूल ए, स्कूल ए हेड की स्कूल आगे की तरफ है इस तरह से स्टूडेंट्स दिया होता है। ओके यहाँ पे एक हम बैग छोटा सा बना देते पता चल जाए कि बच्चों को स्कूल जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स तो रोड सिग्नल्स कंप्लीट, चैप्टर 22 स्टार्ट्स GK की वर्क बुक्स में। स्टूडेंट्स डोमेस्टिक डिवाइसेस चैप्टर 20 को क्या स्टूडेंट्स हमारा डोमेस्टिक डिवाइसेस आई मीन ये टॉपिक क्या बताया बच्चों, डोमेस्टिक में जो घर गृह उपयोगी में आई मीन गृह उपयोगी में जो घर में यूज़ करते हैं ऐसी वस्तुओं का बताया गया। देखो फिर इन द ब्लॉक्स विद द करेक्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द डिवाइसेस गिव द बॉक्स। ओके बच्चों आपको फिल द बॉक्स क्या करना है बच्चों, इस बॉक्स में कंप्लीट करना है ये जो नीचे दिए गए बच्चों इनकी हेल्प से। देखिए यहाँ पर है वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर, आयरन एंड वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर एंड कूलर्स। ओके लुक एट दिस पिक्चर, देख सकते हो स्टूडेंट कि क्या है स्टूडेंट्स, ये है वॉशिंग मशीन, ये है कूलर, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स, आयरन, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। ओके अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये जो दिए गए यहाँ पर ओनली फॉर इसके नेम्स नहीं लिखना, ओनली फॉर ABCD से कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट्स तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स ये क्या है वॉशिंग मशीन, यहाँ पर वॉशिंग मशीन कहाँ है, वॉशिंग मशीन है डी नंबर में, तो हमें यहाँ पे करना है डी नंबर में। ओके स्टूडेंट्स आई मीन वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं बच्चों कि क्लोथ को वॉश करने में, कपड़ों को धोने में यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन। कूलर ओके आई मीन क्या कूलर किस यूज़ करते हैं, जब ठंडी ठंडी एयर कूलर आई मीन ठंडी ठंडी हवा यूज़ करनी हो तो बच्चों क्या यूज़ करते हैं कूलर। ओके एच टेलीविज़न ओके मीन्स टीवी, तो यहाँ पर आएगा ई नंबर, ये क्या है टेलीविज़न में देखते हैं बच्चों टीवी वो। म्यूजिक सिस्टम जिसमें म्यूजिक सुनते हो, ओके बच्चों तो म्यूजिक सिस्टम कहाँ पर है, ए फोन नंबर में आएगा एफ। ओके एंड आयरन, आयरन किस में स्टूडेंट्स, आयरन का सी। ओके स्टूडेंट्स अब करना है वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर नंबर है ए नंबर में। एंड एयर कंडीशनर मीन्स क्या होता है AC जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट नाम इसका है AC, एयर कंडीशनर से मालूम बच्चों स्टूडेंट बहुत ही ठंडी हवा आती है पूरे घर में, ठंडक से एकदम माहौल हो जाता है इससे। एंड क्या स्टूडेंट्स ये रेफ्रिजरेटर आई मीन फ्रिज जिसमें हम
सब्जी दूध फल फ्रूट्स रखते हैं ना बच्चों वो, ठीक है। तो डोमेस्टिक डिवाइसेस का मतलब पता चला बच्चों, जो हम घर गृह उपयोगी जो घर में यूज़ करते हैं वैसी वस्तुओं के बारे में बताया गया। अब हम स्टार्ट करेंगे CW नोटबुक्स में चैप्टर 22 डोमेस्टिक डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट, आप लोग इससे से टॉपिक डालना है CW नोटबुक्स में, राइट द नेम्स ऑफ द डिवाइसेस। ओके, तो आपको नाम लिखना है ऐसी वस्तुओं का जिसे हम घर में यूज़ करते हैं। देखो वन नंबर WASHING वॉशिंग, MACHING वॉशिंग मशीन, क्या है बच्चों वॉशिंग मशीन। टू नंबर में COOLER कूलर। थ्री नंबर में TELEVISION टेलीविज़न। फोर नंबर में MUSIC म्यूजिक, SYSTM म्यूजिक सिस्टम। फाइव नंबर में IRON आयरन। सिक्स नंबर में VACWM वैक्यूम, CLEAR वैक्यूम क्लीनर में इस्तेमाल हो जब घर के बच्चों वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर की गंदगी के साफ करने को वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया जाता है। सेवन नंबर में है AIRCONDITION एयर कंडीशनर में होता है AC। एट नंबर REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर। तो एवरीबडी स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको आपके CW नोटबुक्स में चैप्टर 22 एंड चैप्टर 21 आप लोग को आपकी CW नोटबुक्स में एंड वर्क बुक्स में कंप्लीट करना होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग को चैप्टर 23 लर्न बाय हार्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।